दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 6,44,00,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछा है। इन सड़कों ने हजारों सालों से अलग अलग इलाकों को जोड़ रखा है और इंसान की तरक्की में अहम रोल निभाया है। लेकिन आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ ममालिक के रोड ऐसे हैं जिन पर सफर करना आम इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़ों के दिल दहल जाते हैं, क्योंकि इन रास्तों पर आपकी जरा सी गलती आपको मौत के मुंह में धकेल सकती है। तो फिर आप भी अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए और चलिए आपको लिए चलते हैं दुनिया के 7 मोस्ट डेंजरस रोड्स पर, जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, सिचुआन तिब्बत हाईवे। ये सड़क चाइना में मौजूद है। इसकी लंबाई 2,140 किलोमीटर है। इसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 15,420 फीट है। इसमें रॉक स्लाइड, बर्फानी तोते और चट्टाने इसके खतरात में मजीद इजाफा कर देती हैं। ये बहुत ही लंबी शाहरा है जो सिचुआन को तिब्बत से जोड़ती है। इसका नाम खम के नाम से भी जाना जाता है। ये सड़क 1950 से 1954 के दरमियान तामीर की गई थी। इसकी तामीर के दौरान 1000 वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और इसके बाद से अब तक एक अंदाजे के मुताबिक हर आने वाले 1,00,000 ड्राइवर्स में से 7,500 ड्राइवर्स मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर और बहादुर लोग ही ड्राइव कर सकते हैं। ये सच में बहुत ही खतरनाक है। नंबर 2, D915 हाईवे तुर्की। ये सड़क 106 किलोमीटर लंबी है। इसे हाल ही में दुनिया की जानलेवा टॉप 10 सड़कों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सड़क शमाल मशरकी अनातोलिया की हद पर वाकिया है। इस सड़क के बारे में मशहूर है कि आपका ध्यान चंद सेकंड के लिए भी रोड से हटा तो ये सड़क आपको इस गलती की माफी नहीं देगी। इस सड़क पर 29 खतरनाक मोड़ आते हैं। इस रोड पर कोई भी रेलिंग या रुकावट नहीं है ताकि कारों को किनारे से उतरने से रोका जा सके। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी, बर्फानी तूफान और शदीद धुंध की वजह से ये रोड मौत का रास्ता बन जाता है। बर्फानी तोदे और लैंडस्लाइडिंग आपकी तमाम एहतियाती तदाबीर पर पानी फेर सकते हैं। D915 एक वर्किंग रोड है जिसे यहाँ के मुकामी लोग हर हाल में और हर किस्म के खतरनाक मौसम में भी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है बे बर्थ और ऑफ विलेज को जोड़ने का। इसे यहाँ के मुकामी लोग रोड टू हेल कहते हैं। पिछले चंद सालों में ये रोड बेशुमार जाने ले चुका है, इसलिए ये रोड हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 3, जोजीला पास लद्दाख इंडिया। ये रोड 25.8 किलोमीटर लंबा है और ये सतह समंदर से 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। भारत के शहर लद्दाख और कश्मीर के दरमियान बनी सड़क को भी इंतहाई खतरनाक तीन सड़कों में शुमार किया जाता है। ये रोड साल के 6 महीनों के लिए बंद रहता है, क्योंकि बर्फबारी की शिद्दत के बाद इसको साफ करने के लिए तकरीबन 2 माह लग जाते हैं। ये सड़क इतनी तंग है कि इस पर एक वक्त में सिर्फ एक कार ही बआसानी सफर कर सकती है। इस रोड पर कुछ जगह और मोड़ ऐसे हैं जहां से सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही गाड़ी चला सकते हैं। सर्दियों में रोड पर बर्फ जमा हो जाती है, जिससे रोड पर और भी ज्यादा फिसलन हो जाती है, जो रोड को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। इस रोड से गुजरते हुए आपकी जरा सी भी लापरवाही आपको गहरी खाई में गिरा सकती है, जहां से बच पाना नामुमकिन है। इस रोड पर सफर करने वालों को सख्ती से आगाह किया जाता है कि जब आप पास के सबसे ऊंचे मुकाम पर जाएं, तो वहां पर ज्यादा देर तक मत रुकें, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2009 में इस सड़क से गिरकर 350 लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे। नंबर 4, स्किपर्स कैनियन रोड। ये रोड 26.5 किलोमीटर लंबा है। जब कैनियन वादी सोने की कानकनिका एक मकबूल इलाका बन गया, तो इस तक महफूज रसाई की मजीद जरूरत पड़ गई। लेकिन आज भी ये सड़क बहुत ही खतरनाक है। हर साल सफर करते हुए यहाँ सैकड़ों जाने चली जाती हैं। इस खूबसूरत और खतरनाक सड़क को पहाड़ के साथ साथ बनाने में 7 साल लगे। यह 1895 में बनी थी और सड़क के बहुत से हिस्से आज भी वही हैं जो उस वक़्त थे। इस रोड पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं कि जिनको देखते हुए कार इंश्योरेंस कंपनीज इस रोड पर होने वाले हादसात की भरपाई नहीं करती। नंबर 5, लुवारी पास पाकिस्तान। ये एक बुलंद पहाड़ी रास्ता है जो सतह समंदर से 10,230 फीट की बुलंदी पर बना है। ये रोड दीर खैबर पख्तूनख्वा को चित्राल से जोड़ता है। इस पास को दुनिया में मौजूद सभी पासिस का ग्रैंड डैडी कहा जाता है। ये रोड मुकामी लोगों में जहन्नमी रोड यानी हेल रोड के नाम से मशहूर है। ये रोड नवंबर से मई तक बर्फ से ढका रहता है। इस रोड में 72 खतरनाक मोड़ आते हैं। पहाड़ों से गिरने वाले झरने इस रोड से गुजरकर आबशार बनकर नीचे खाई में जाते हैं। इस रोड से गुजरते हुए इनका शोर और बहाव बहुत ही तेज हो जाता है। इस झरने को क्रॉस करते हुए अक्सर गाड़ियां नीचे खाई में गिर जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रोड पर हर साल 11 से 12 लोगों की मौत हो जाती है। ये सड़क कहीं कहीं से तो इस कदर पतली हो जाती है कि जब यहाँ से दो ट्रक आमने सामने से गुजरते हैं
तो खाई वाली साइड के ट्रक वालों की जान हलक में अटक जाती है। नंबर 6, रोड ऑफ बोन्स, रशिया। इस रोड को कोलिमा हाईवे या लीना हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इस रोड की कुल लंबाई 3,080 किलोमीटर है। ये रोड दिसंबर से अप्रैल तक हर साल खुली रहती है, जब यहाँ बर्फ अच्छी तरह से जम जाती है। मगर इस सफर के दौरान अफसोसनाक बात यह है कि हर साल दर्जनों लोग गाड़ियाँ फिसलने से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा बर्फानी तूफान का खतरा भी बना रहता है। वहीं जुलाई और अगस्त में बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से सड़क एक दलदल बन जाती है, जिसकी वजह से मीलों लंबी ट्रैफिक जाम रहती है। ट्रैफिक जाम के दौरान लोग इतने गजबनाक हो जाते हैं कि एक दूसरे को लूटना शुरू कर देते हैं। उस पर दिन की रोशनी में भी यहाँ फिरने वाले रीछ लोगों पर हमला करते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ खतरनाक मच्छर भी पाए जाते हैं, और अगर आपकी गाड़ी यहाँ खराब हो गई तो मदद पहुँचने में कई घंटे लग सकते हैं। ये सड़क कहीं से झील और नदियों के बीच से गुजरती है, तो कहीं इंतहाई ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से। सर्दियों के मौसम में यहाँ -70 डिग्री टेम्परेचर होता है, और नॉर्मल मौसम में भी यहाँ सर्दी ही रहती है। इसे रोड ऑफ बोन्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हाईवे 1932 में बनना शुरू हुआ था और 1953 में बनकर कंप्लीट हो गया था। इसे स्टालिन के दौर में बनाया गया था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने वाले मजदूर आम मजदूर नहीं थे, बल्कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। ये उस वक्त के डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन और अमीर तरीन लोग थे, जो स्टालिन की हुकूमत के खिलाफ थे। सजा के तौर पर उन्हें यहाँ कैदियों के तौर पर रखा गया था, और उनसे ये रोड बनवाई गई थी। जो भी कैदी बगावत करता, भागने की कोशिश करता या बीमारी और भूख से मर जाता, उसे इसी रोड पर पत्थरों की जगह बिछाकर उस पर रोड बना दिया जाता था। यहाँ 2.5 लाख से 5 लाख लोग मरे थे, यानी इस रोड पर हर एक मीटर पर एक लाश दबाई गई थी। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे लंबी कब्र भी कहा जाता है। ये हाईवे अभी भी हर साल हजारों लोगों की जान ले लेता है, इसीलिए इसे दुनिया के खतरनाक रोड्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड्स पर हम पहले भी पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 7, अटलांटिक ओशन रोड, नॉर्वे। ये 8 किलोमीटर लंबा हाईवे अटलांटिक ओशन को चीरते हुए आगे बढ़ता है। नॉर्थ नॉर्वे से शुरू होकर ये हाईवे कुछ छोटे मोटे कस्बों और टाउन्स को आपस में जोड़ता है। 1979 तक यहाँ से गाड़ियाँ जहाजों पर लाद कर ले जाई जाती थी, लेकिन 20वीं सदी के आखिर में नॉर्वे की सरकार ने पानी पर हाईवे बनाने की सोची। उनका मकसद ये हाईवे न सिर्फ गाड़ियों और सामान दूसरी तरफ ले जाने के लिए बनाना था, बल्कि वो इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनाना चाहते थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस हाईवे के दोनों तरफ थाटे माता समंदर देखने के लिए आज दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ समंदर में उठने वाली आम लहरें भी यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को अच्छी तरह से वॉश कर देती हैं। अगर पानी में तूफान आया हो तो पानी में उठने वाली ये तेज और खतरनाक लहरें गाड़ी को रोड से समंदर में भी धकेल सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 3 भी बनना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।